लोकसभा और संसद परिसर के बाहर बुधवार को सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आने के बाद सिक्योरिटी और कड़ी कर दी गई है। फिलहाल मुख्य आरोपी ने खुद को स्पेशल सेल के सामने सरेंडर कर दिया। संसद के सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हंगामा काफी तेज हो गया है। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामा बरप रहा है, तो नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। ये पार्लियामेंट को एक तरह से गिरवी रखना चाहते हैं। ये घटना घटी, पूरा सदन इसकी गंभीरता को देख रहा है, सुरक्षा के नजर से देख रहा है। स्पीकर ने कहा, वहां सभापति ने कहा, जांच होने के बाद ही तो कोई निर्णय होगा, क्योंकि इनके पास कोई विषय तो नहीं है, इसीलिए मोदी जी को गाली देना है, इसीलिए लोग हंगामा कर रहे हैं। लेकिन समय आने दीजिए, एक एक सवाल का जवाब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी देंगे, करारा जवाब ठोक करके देंगे। बोल रहे हैं कि हमको अभी जवाब चाहिए, पार्लियामेंट चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। भाई बेकार की बात क्यों बोलते हैं, बिना जांच का कोई जवाब देता है? कहीं देखा है? जांच हो रही है परत दर परत, जब खुलेगा, जब जवाब सुनेंगे तब पता चलेगा। आज एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई राज्यसभा में। लीडर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं, वो बोल लेते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होते हैं, नेता विरोधी दल, लाख हम लोगों के अनुरोध के बावजूद भी उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। आज जो सदन में व्यवधान हुआ है वो विपक्ष ने नहीं किया है, सत्तारूढ़ दल ने किया है, और वो सीधे सीधे उनको इशारा किया गया। तो सरकार नहीं चाहती सदन चले। हम सिर्फ इतनी एक मांग कर रहे हैं कि अभूतपूर्व घटना हुई, इसलिए गृह मंत्री जी आए और सदन में पूरी घटना चक्र से अवगत करें और बताएं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। लेकिन क्या आप क्या माने, अब 2 बजे तक के लिए हाउस अर्जन हुआ है, आगे चल पाएगा अब ये आज या नहीं? और अगर आप कह रहे हैं कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सदन के पिक्चर सारे सामने हैं, देख लिया जाए कि ये तो पूरा पूरा विपक्ष और उसे उकसाया जा रहा है, हो रहा है। तो ये तो सरकार नहीं चाहती सदन चले। हम जब भी कोई सीरियस मुद्दा उठाते हैं वो राजनीति, चाहे किसानों का मसला हो, राजनीति हो जाता है। चाइना हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर कब्जा कर लेता है, वो राजनीति हम करते हैं। कहीं पे किसी की लूट मार हत्या हो जाती है, हम राजनीति करते हैं। ये सबसे सिक्योर एरिया है हिंदुस्तान का, और उसमें टेररिस्ट का अंदर घुस आना, ये बोलते हैं पॉलिटिक्स करते हैं। हम तो हमारा सिंपल सा उनसे जवाब मांगने का था कि ऐसा क्यों हुआ, और उनको इस्तीफा देना चाहिए अगर उनकी क्षमता नहीं है, जो सबसे मोस्ट सिक्योर बिल्डिंग को हिंदुस्तान का, उसको सिक्योर नहीं रख सकते हैं, तो उनको तो कंटिन्यू करने का कोई हक नहीं है। और हमने जब सवाल किया तो आपने देखा सबको हटा दिया गया, और आज भी लगता है बाकियों को भी हटा दिया जाएगा पार्लियामेंट से। तो जो भी उनसे कोई सवाल पूछता है, जो हक है और इनफैक्ट जिम्मेवारी है किसी भी माननीय सदस्य की, उसमें वो राजनीति ले आते हैं। तो ये सरासर गलत बयानी है उनके तरफ से, और हमारी सीधे सी मांग है कि आप जवाब दीजिए कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। थैंक यू। देखिए, आज तमाम सांसद, गैर भाजपा सांसद क्या मांग कर रहे हैं? क्या कोई नाजायज मांग कर रहे हैं? क्या कोई गलत बात कह रहे हैं? वो बस इतना ही तो कह रहे हैं कि इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली भारत देश की संसद में अगर एक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो उस पर चर्चा हो, उस पर जांच एजेंसियां, माननीय गृह मंत्री जी, जो भी लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी, जिनकी दायित्व बनता है, वो आकर सदन के भीतर अपना बयान दें और पूरे पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। इसमें कोई नाजायज मांग तो कर नहीं रहे। आप खुद सोचिए कि अगर कोई शख्स आज भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बतौर मेहमान, उसके हस्ताक्षर से विजिटर पास बनवाकर
दर्शक दीर्घा में पहुंचता है। अपने साथ गैस कैन, स्मोक कैन जैसे पदार्थ लेकर पहुंचता है, तो कल को वो कोई और भी औजार साथ लेकर आ सकता था, कोई पिस्तौल लेकर आ सकता था, पॉइजनस गैस बॉम्ब लेकर आ सकता था, पॉइजनस गैस कैन लेकर आ सकता था, कोई भी वस्तु ला सकता था, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता था, किसी को चोट पहुंच सकती थी, जानमाल का नुकसान हो सकता था। तो ये सारे पहलू हैं जो एक जांच का विषय है, इस पर जांच हो और पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, कम से कम इस पर एक छोटी सी चर्चा हो, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये मांग स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष की या दलगत राजनीति की बात नहीं है, ये इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत भारतीय संसद की बात है। अगर संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो क्या देश सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है।